मसीतां दे चढ़ चढ़ के दंगे करने ते गुंबज तोड़ देने ते धक्केशाही लोगों ना करनी घट गिणतियां नाल किसे ते एनएसए लगी बैठी हथियार लैके तुरना कोई पाप थोड़ा आपकी सुरक्षा वास्ते हथियार बंद होकर तुरना जे अज कह रहे हैं कि असी हिंदू राष्ट्र बनाना है मोहन भागवत वर्गे भी कह रहे हैं सारे लोग किन्ने साधु कह रहे हैं उन्होंने तो केस बन सकता हाई कोर्ट चो केस सुप्रीम कोर्ट चो जितया तो कोई खालिस्तान कहने वाले कोई सजा नहीं केजरीवाल ने दिल्ली सद्या तो जुटियां ला के दिल्ली में भजे तो प्रोटेस्ट करने वास्ते इन्हों वास्ते खोलिया तो दूजा कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता जे वो कहते भी हिंदू राष्ट्र सानू चाहिए तो जे भाई अमृतपाल सिंह खालिस्तान कह रहे तो कोई लौड़ा गया जी 18 मार्च में सरकार ने शाहकोट जो कुछ किया कि वह प्रोग्राम कैंसल हो गया असी चाहते हैं कि उस स्थान तो 40 मुक्तियां का 21 विसाख में जंग होया सी भावें आप माघी से त्यौहार मनाने हैं उस दिन 4 मई है तो 4 मई में असी उही वकीर जी है दमदम टकसाल हम ख्याल जथेबंदियां श्रोमणी अकाली दल श्रोमणी कमेटी सिंह सभावां सारिया संस्थावां और इस तरह सारे के सहयोग नाल वो दमदमा साहब लैके उस दिन असं जाना चाहते हैं कि वो वास्ते असी ये जी असी चाहते हैं कि नौजवानी नशे मुक्त करने वास्ते अमृत की लहर चलाने वास्ते दमदमी टकसाल जी कार्ज दोबारा ये चलाना चाहती है कि असी चलावे भाई एक दिन की है वहीर हूँ एक दिन तो गर्मी का मौसम आ तो जिमीदार किसान लोग जो खेती संभालने चाहड़ी की फसल वास्ते लगे हैं पर असी ये 40 मुक्तियां के दिन में मुख रख के एक दिन वास्ते असी श्री दमदमा साहब तो कोई बहुत ही मुक्तसर साहब तो दूर ही नहीं एक दिन शाम तक असं उसे पहुँचा उस तो बाद फिर लोग जो हाड़ी की फसल तो वेले हो जाएंगे नौजवान सारे भी फिर असी अगला प्रोग्राम जो फिर स्टैप बाय स्टैप बनावा किन्ने साल हो गए ने तुहानू धर्म प्रचार के सिखी के प्रचार के लगे अमृतपाल सिंह होरां ने एक साल भी पूरा नहीं किया खालिस्तान की मंग नूं लैके लगे रहे जिन्हें नौजवान पिछे नाल खड़े सी बंदूकधारी हुंदे सी ते एनएसए जिहड़ा सरकार ने लगा दिता कि लगता सी कि देश नूं खतरा पैदा हो रहा तुसीं मैनूं दसो भी रामनौमी तुसीं वेखी है पिछले दिन सब नहीं आपां इत्थे ते नहीं वेखी पर फेसबुक ते मैं विखा देना मेरे कोल मोबाइल हां मसीतां ते चढ़ चढ़ के दंगे करने ते गुंबज तोड़ देने ते धक्केशाही लोगों ने करनी घट गिणतियां किसी ते एनएसए लगी बैठी हथियार लैके तुरना कोई पाप थोड़ा आपकी सुरक्षा वास्ते हथियार बंद होकर तुरना कोई माड़ी गल नहीं तो अमृत छकाउणा जां इस लहर नूं प्रचंड करना कोई माड़ी गल नहीं सी नौजवान उहदे नाल तुरे सी पर सरकार ने सिर्फ रोकण वास्ते भी नहीं चलण दे पर खालिस्तान की मांग करते वखरे देश की मांग करते जे अज कह रहे हैं कि असी हिंदू राष्ट्र बनाना है मोहन भागवत वर्गे भी कह रहे हैं सारे लोग किन्ने साधु कह रहे हैं उन्होंने तो केस बन सकता हाई कोर्ट चो केस सुप्रीम कोर्ट चो जितया भी कोई खालिस्तान कहने वाले कोई सजा नहीं हर बंदे हक है कोई प्रोटेस्ट भी कर सकता फिर साढ़े बंद हरी के रोस वजो उ बैठे ने सारे साढ़े मुंडे सारे नाल से मैं भी दो दिन जाता रहा गड्डियां इन्हां भन्नियां शीशे भन्ने नौजवानों से लाठीचार्ज किया उल्टा इन्हां ते केस बच्चों के पाए दूजे बने परसों केजरीवाल ने दिल्ली सद्या तो जुटियां ला के दिल्ली में भजे तो प्रोटेस्ट करने वास्ते इन्हां वास्ते खोलिया तो दूजा कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता उन्होंने क्यों पाबंदी करनी जी हर बंदे नूं अपने हक गल करन दी आजादी है ना जे वो कहते भी हिंदू राष्ट्र सानू चाहिए तो जे भाई अमृतपाल सिंह खालिस्तान कह रहे तो कोई लौड़ा गया जथेबंदियों का तुम क्या जी सहयोग मिलेगा खालसा वजीर के नाल लैके चलेंगे किस तरह का प्रोग्राम लिखा गया पालकी साहब प्रोग्राम असी श्री अकाल तख्त साहब के जथेदार साहब विचार किए सारे धामी साहब ने श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब ने नवी दिल्ली कमेटी भी गल की ये नरोल असी सिर्फ नशे छड़ो तो अमृत छको होर साडा कोई मकसद नहीं है।
27 मार्च में जी जथेदार साहब ने मीटिंग सदी से तुम्हें वह शमूलीयत की थी। नहीं मैं होर जथेबंदियां आई उन्होंने भी किया खालसा वहीर जी आप शुरू करा जल्द करा पर जथेदार साहब ने कोई खालसा वहीर शुरू नहीं की। उन्होंने नहीं की, चलो जथेदार साहब की कोई मजबूरी जो उन्होंने हो सकती है। दमदम टकसाल सतगुरु की चलाई जथेबंदी है, साडा धर्म प्रचार करना किता करम तो जो उन्होंने विसाखी तक नहीं कुछ किया तो असं बाद देख के असं शुरू कर जा रहे तो उन्होंने सहयोग न श्री अकाल तख्त साहब समर्पित होकर चला रहे।